हेलो नमस्ते सलाम प्रिवियत। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मॉस्को में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं भूपेंद्र और मेरे साथ है ऋषभ, और आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के अंदर मॉस्को के सीरीज में। और अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल, मॉस्को का काफ़ी बड़ा इस्कॉन, मतलब रशिया में सबसे बड़ा टेम्पल है। हाँ हाँ, इस्कॉन का वो तो ओम्स्क में था, मगर नहीं सब मॉस्को में काफ़ी बड़ा है। अच्छा, जिसमें अपना वो थिएटर रूम भी है उनके पास। अच्छा, तो भाई मॉस्को का रशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन सेंटर हम जा रहे हैं मॉस्को के अंदर जो है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। अभी क्या सीन है, हमने एक मेट्रो ली और उस मेट्रो से एग्जिट कर गए, अब दोबारा एक मेट्रो ले रहे हैं। मेट्रो का अलग अलग कनेक्शन है तो दोबारा मुझे पे करने पड़ेंगे, तो वही है। अगर आप नॉर्मली तिरोगे कार्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, मतलब अभी तो हमने बैंक कार्ड से यूज़ कर लिया था, वैसे नॉर्मली मेट्रो कार्ड या फिर तिरोगे का कार्ड यूज़ करते हो इन कई सोशल कार्ड, तो आपको नहीं लगेंगे अभी बैंक कार्ड यूज़ करा, इसलिए दोबारा देने पड़ेंगे। कोई नहीं, तो अभी हम आ गए हैं मॉस्को के लोकल ट्रेन पे, और ये देखो इनका लोकल प्लेटफॉर्म है। इसमें नॉर्मली टिकट खरीदनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी होती है, तो इसे साथ में रखना पड़ता है एग्जिट अगर लेनी है तो। तुम्हें अभी सबको लगा था इसका सोशल नहीं है कार्ड चल जाएगा, मगर वो चला नहीं। मेरे को भी खरीदनी पड़ी टिकट और ये सबको भी टिकट खरीदनी पड़ी। नॉर्मली सोशल कार्ड जो होता है ना इनका, वो सिर्फ मॉस्को रीजन में चलता है अंदर। तो ये जो ट्रेन है ये मॉस्को के बाहर जाती है, तो इसलिए इसमें सोशल कार्ड काम नहीं करता है। तो ये रीज़न हो सकता है इसके चक्कर में मेरा सोशल कार्ड नहीं चल रहा। क्या हम इस्कॉन के लिए मॉस्को से बाहर जाए? नहीं, बाहर नहीं जा रहे, पर ये ट्रेन बाहर जाती है। अच्छा, तो जो भी मॉस्को से ट्रेन बाहर जाएंगी उसमें वो कार्ड नहीं चलता है। ओके, तो मतलब हम अभी मॉस्को के अंदर ही, मतलब इस्कॉन तो मॉस्को के अंदर ही है ना? इस्कॉन मॉस्को के अंदर ही है, पर ट्रेन जो है ये बाहर जा रही है, हमें लाइन चेंज करनी है अभी। एक दोबारा कार्ड दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, शायद हमें दोबारा पेमेंट करनी पड़े, पर मेरा सोशल कार्ड चलेगा था। 150 रुपये तो इसी में लग गए इस्कॉन टेंपल तक। वो तो नॉर्मली इसलिए ना, क्योंकि हम उधर से आए हैं, नॉर्मली सेंटर से आते हैं तो हमें कुछ नहीं चेंज करना पड़ता, डायरेक्ट आ जाती है। हम आउटर, मतलब मॉस्को के पहले से ही आउटर में थे, ये मैं सोच रहा कि बहुत हार्ड है इस्कॉन आना, वो हम थोड़ा आउटर से ही, हम आउटर में ही थे तो आउटर से आए हैं। नॉर्मली अगर सेंटर से आओगे तो आपको एक मेट्रो चेंज करनी होगी बस, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, वो इतना ही लगेगा, चार्जेस जो नॉर्मली लगता है। और मैं इधर क्या मेट्रो का उस वाले मॉस्को के इस्कॉन का मेट्रो स्टेशन का क्या नाम है? जोरगे, पिंक लाइन पे मेट्रो है जोरगे, वहाँ पे उतर के आप पैदल जा सकते हो। कितने मीटर पास में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे एक नॉर्मल बिल्डिंग है, उससे पता चल जाता है। वैसे बाकी मैप है आपके पास, मैप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो ठीक है, फिर अपना ये वाला सफ़र करते हैं। इतना ही है तो मैं बता देता हूँ, मेट्रो से एग्जिट लो, राइट लो, राइट में चलो, रेड लाइट से लेफ्ट लो, फिर रेड लाइट आएगी फिर लेफ्ट लो, फिर जैसे चलते रहोगे लेफ्ट लेफ्ट में तुम्हें अपने इंडिया वाले हाथी की मूर्तियाँ दिख जाएंगी, वो स्कूल। क्या आसान बताया भाई ने, आँख बंद करके ले जाऊंगा उधर में। उस इस चीज़ को दोबारा देख रहा जितने भी मिनट में तो आप पहुँच जाओगे। तो भाई हम चलते आगे और इस वाली ट्रेन का थोड़ा सा सफ़र आगे दिखाते हैं हम, तो चलो आगे मिलेंगे फिर स्टेशन पे जब उतरने की तरह। बिल्कुल, हाँ ये देखो, और यहाँ से भी कोई भाग के चढ़ के आ सकता है जैसे इंडिया में अपना होता है, और इस तरफ भी एक अपनी ट्रेन का वो प्लेटफॉर्म है पूरा, ये देखो सही है, बिल्कुल साफ सुथरा है। ये बात है यहाँ पे साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा, इनके संडास नीचे नहीं खुले होते ना। हाँ यार देखो, पटरी भी बिल्कुल साफ है, बस सिगरेट्स के वो मिल जाएंगे, सब ये जो दिख रहे हैं ना सब सिगरेट्स है, सब सिगरेट के पट्स हैं। यूरोपियन कंट्रीज और ये रशिया जो है ना, बहुत सिगरेट फूकते हैं, अंधी सिगरेट बहुत ज्यादा, अपने यहाँ पे बीड़ी और इनके यहाँ पे सिगरेट, जैसे हमारे यहाँ तम्बाकू की पीप रहती है ना, ऐसे यहाँ पे हर जगह बीड़ी के वो रहते हैं ठुल्ले, सिगरेट के बट्स पड़े रहते बट्स रहते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। भाई लोगों, क्या मस्त मेट्रो ट्रेन है ये वाली, बिल्कुल अपने लोकल राजधानी सीटिंग की तरह, राजधानी जो सीटर है बिल्कुल ऐसा सही है, इनकी सीट्स बड़ी कंफर्टेबल होती है। और
कलरफुल सीट्स बना रखी हैं, बिल्कुल लाल हरा बहुत ज़्यादा स्पेस है, स्पेस ही स्कूटी काफ़ी है। हाँ और मस्त है, देखो मेरे पीछे देखो मस्त है, इधर भी लोग जा रहे हैं अपना मस्त। और मैं ख्याल से पूरे ऐसे ऑलमोस्ट सब शायद इलेक्ट्रिक ट्रेन से चलती हैं। हाँ तो इंडिया के अंदर भी इलेक्ट्रिक कार ही चलती हैं सारी की सारी, मतलब कहीं कहीं पे लोकल में जैसे हमने पहाड़ वगैरह पे वहीं पे कहीं पे होता है कि कोयले वाली चलती हैं, और सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन ही हैं हर जगह पे। और ये देखो भाई व्यू, जब से मैं आया मैंने एक भी नहीं देखी, सब इलेक्ट्रिक ही देखी। याद हो क्या कहता है, ट्रेन को भी वो इलेक्ट्रिक वाली कर दिया ना, इलेक्ट्रिक बस भी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक बस कर दिया है। जो पुराने वाली बसेस हैं उनको भी इन्होंने इलेक्ट्रिक बना दिया है। मतलब जो यहाँ के ट्राइम थी ना, जो पहले क्या कहते हैं वायरिंग करके अपने आप लगती थी, अब क्या कर दिया उन्होंने बैटरी सेल लगा दिए। जब उनकी बैटरी खत्म होती है ऊपर उतार लगा लेते हैं, उससे चले जाते हैं, अब चार्ज हो जाते हैं बैटरी, फिर जो रहते हैं उसमें बहुत जल्दी बैटरी चेंज होती है इनकी। मस्त है, एक और स्टॉप आ गया बड़ी जल्दी, इतनी देर हमने बात करी। हाँ वैसे सही है, देखो बिल्कुल चलो फिर भाई इसका सफर का एंजॉय करते हैं, जब मिलेंगे दूसरी ट्रेन लेते हैं तब दिखाते हैं। हाँ दूसरी ट्रेन का वो वाली ट्रेन और भी अच्छी है, चलो फिर उस वाली ट्रेन में पहुंच के दिखाते हैं। बढ़िया उस वाली ट्रेन से हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं दूसरी ट्रेन जो वो खड़ी वहाँ पे। अगर आप सेंटर से आ रहे हो तो आपकी यही ट्रेन लेनी है, ड्राइव मेट्रो इस ट्रेन तक भी आती है। हाँ हमें जो बीच में दूसरी ट्रेन लिया उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत ही सुंदर ट्रेन है। मतलब अगर एक्सपीरियंस लेना है तुम्हें लोकल ट्रेन का तो इनको तुम यूज़ कर सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, है कि नहीं? इसमें मेरा सोशल कार्ड चलता है, इसमें तिरुवे का भी चलता है। तो ये सब कह रहा है कि ये वाली ट्रेन काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छे से अंदर से बहुत अच्छी, तो देखते हैं अंदर चल के कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। अभी क्या हुआ कि एक अंकल जो है ना साइकिल लेके आ रहा था, उसका बेटा भी साथ में, वो चला के ही ला रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, चल रही है चला ही रहे हैं। तो हमें लगा भाई इसके अंदर अलाव होगा, फिर एकदम इन्होंने रोक लिया और उनका चलान काट दिया। मतलब आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में साइकिल साइकिल ये सब ले जा सकते हो, पर तुम प्लेटफॉर्म पे चला नहीं सकते उसे। हाँ मतलब तुम साइडने के बाद ही चलाओ उसे। हाँ मतलब सेफ नहीं होता ना ये चीज़। हाँ प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल चला के ला सकते हो पैदल, मगर बैठ के दौड़ा रहे सारे तो चलान तो कटे गई, बाप बेटे दोनों को डाल दी। तो भाई देखो यहाँ के डस्ट में एक प्लास्टिक ग्लास पेपर और ये तुम्हारा अनसॉर्टेड जो होता है, तो ये उस वाले प्लेटफॉर्म पे, अभी हमारी वाली इस तरफ से आएगी। जैसे यूरोप की नहीं होती स्विट्जरलैंड टाइप की ट्रेन होती है, उस टाइप की ट्रेन ये काफ़ी अच्छी है अंदर से, देखेंगे अभी सफर लेंगे। मेन चीज़ है कि अंदर से तुम अंदर जो है तुम्हें बाहर की आवाज़ नहीं आती, और ये ट्रेन हिलती भी नहीं है, मेरे बहुत कम हिलती है। देखो ये साइकिल लेके आ रहा है, मेरा हमारा पीछे जो साइकिल चला के ला रहा है, मगर वो साइकिल के ऊपर बैठा नहीं हुआ, साइड में खड़ा। और आपने वो अभी न्यू वीडियो देखी है, विंटर इज कमिंग, कम टू मॉस्को, कम टू रशिया, यार वो बहुत प्यारी वीडियो, मतलब वो वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगी, बहुत प्यारा ट्रोल। रशिया के बारे में थोड़ा सा बता रखा है इन्होंने कि रशिया कैसा है, बहुत चीप गैस है, और यहाँ पे जल्दी से मूव ऑन कर लो क्योंकि विंटर इज कमिंग। भाई क्या ट्रोल करा उन्होंने वेस्टर्न को भाई, मजा ही आ गया। और उधर से एक बच्ची हमें देख रही है उस ट्रेन के अंदर बैठ के, और स्माइल पास कर रही है, ये सोच रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आ जाए तुम्हारे ब्लॉग के चक्कर में जंगल में मेरा चश्मा खो गया, मेरे सन ग्लासेस खो गए। हां जो हम कल जंगल गए थे ना नेशनल पार्क, उसके अंदर भाई का चश्मा हो गया। सिनेमैटिक शॉट्स बना रहे थे आया वो, मतलब शॉट बहुत प्यारा आया, जब ब्लॉग डलेगा तो देख लोगे उससे, इस भी ब्लॉग से पहले देख चुके होंगे, नहीं तो आई बटन पे आ रहा होगा उस पर देख लेना जाके। तो बस अभी वेट करते हैं थोड़ी देर, जब आके आगे देखते हैं। 3 मिनट माय गॉड, चलो 3 मिनट वेट करते हैं। बैठ गए हैं और काफ़ी बड़ा स्पेस है, मतलब
हम तो आगे बैठे हुए हैं बिल्कुल, मगर प्रॉपर सीट्स, काफी अच्छा फुट रैक है यहाँ पे, प्रॉपर सीट्स के बाद भी काफी स्पेस है और हर जगह मतलब चार्जिंग के भी तो दिए हुए हैं इसमें अपने, इसमें टॉयलेट वॉयलेट भी सब सब अवेलेबिलिटी है, सब चीज़ें भी वॉशरूम वगैरह भी सब होता है इसमें, और बाकी इसमें डस्टबिन भी दे रखे हैं देखो सामने यहाँ पे, चेक ऑन चल रही है अंदर ये जा रहे हैं, डस्टबिन भी दे रखे हैं और मतलब इसके नॉर्मल गेट वैसे पुश वैसे अपने आप में खुलेगा स्टेशन पर आकर, बटन दबाने होता है, चल रही है तो आवाज़ भी नहीं आ रही होगी बाहर की, अच्छा बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही आपको, आएगी नहीं आवाज़, बहुत कम ही आवाज़ आती है इसमें, बस आवाज़ हिलती भी नहीं जाता, हाँ बस आवाज़ उसकी आ रही है जब क्या कहते हैं पटरी चेंज कर रहा है उस पर उसकी आवाज़ आ रही है, अब पहुँचते हैं बस, दो स्टेशन है हमारे, हम इसको पहुँचने वाले हैं बस, एग्जिट लेने के बाद दिखा देते हैं थोड़ा सा रोड कैसा है, तो वही है भाई इस्कॉन पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया, मुझे लग रहा है वाला व्लॉग भी लंबा हो जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं, हम आउटर से तो आए थे इतना कुछ नहीं होता, सेंटर से आओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लग रही होगी ये मैं कह सकता हूँ, अगर अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, तो तुम्हें इतनी अपडेट मिल गई है ना मौसम की, तुम्हें अपने आप वही आ जाओगे तुम्हें सब पता होगा कि क्या हो रहा है कहाँ से क्या होता है, नहीं तो बाकी मैं हूँ इधर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैसेज डाल देना इंस्टा पर, तो चलो भाई आगे मिलते हैं फिर, जल्दी आ गए पिछले वाली लंबी थी, दो स्टेशन थे ना, बढ़िया था, अच्छा था, बहुत प्यारी सी थी अंदर से, बहुत स्मूथ है ट्रेन, बड़ा मज़ा आता है मुझे इसमें बैठने, आपको फील आती है कि आप अलग ही जगह हो, अभी हमें एक बार मेट्रो लेनी है क्या, नहीं अब हो गया हमारा एग्जिट लेनी है और जाना है, अच्छा तो हम बस भाई इस्कॉन पहुँच गए हैं, यहाँ से एग्जिट लेना है और बस इस्कॉन के, और मिलते हैं डायरेक्ट इस्कॉन के अंदर, बहुत बातें हो गई,